रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बोल रहे हैं ड्रॉपिंग सून, लॉयल्टी इज रॉयल्टी, 2024 आरसीबी एंड ओवर टू द बेस्ट एंड मोस्ट लॉयल फैंस, वी आर ग्रेटफुल फॉर अनवेवरिंग सपोर्ट। ये पता है क्या है, अभी मैं बता दूं आपको, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी 20 मिनट पहले ये ट्वीट करा है, ठीक है ना, ड्रॉपिंग सून, लॉयल्टी इज रॉयल्टी। एक चीज होती है आग, एक चीज होती है घी, डब्बा फेंकना नहीं, एक चीज होती है पेट्रोल, घी अलग है, इन्होंने पेट्रोल पंप पे जाके आग लगाई है। मतलब इतनी बेशर्मी से इन्होंने मजे लिए हैं ना यहाँ पे आरसीबी ने, इतनी बेशर्मी से। ये भी विराट की एक बात बताता हूँ, ये भी लोग परेशान हो गए पूरी जिंदगी सुनते सुनते कि ट्रॉफी नहीं जीते, विराट ट्रॉफी लेस है, विराट के बस की नहीं हुई, रोहित जीत गया, रोहित। इन्होंने पूरी जिंदगी का बदला अब लिया है कि लॉयल्टी इज रॉयल्टी, कि भाई भाड़ में गई सारी ट्रॉफी, हमें नहीं चाहिए ट्रॉफी, हमें लॉयल्टी चाहिए, हम तो विराट को नहीं हटा रहे, तुम खुश आज ये इतने मजे लेंगे ये नहीं सोचा था। वो तो ये तो बोल के मजे लिए भाई, मजे लेने वाले वो तो ले ही रहे हैं, अभी मजे लेने वाले लोग शुरू नहीं हुए, जो जिन्होंने ट्विटर पे बहुत आंधी तूफान में जाके रखा था लखनऊ सुपर जाए, वो पता नहीं क्या डालेंगे, हालांकि उनको मटेरियल है नहीं है। एक बात बताऊं, ये बिलो द बेल्ट, ये मजे बड़े बिलो द बेल्ट है, ये देखो ये आपकी जो टाइमिंग है ना, खेल निकला पूरी गेम करी, टाइमिंग तो शुभमन गिल की भी थी, जब वो कैप्टन अनाउंस हुए थे उनका वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि कैप्टेंसी के साथ एक चीज आती है जो है लॉयल्टी, बकायदा बोला है स्टेटमेंट। देखिए यार उस वो तो वो भी टाइमिंग थी, उस टाइम पे हार्दिक पांड्या वो तो कैप्टन बना है, उसने कुछ बात करी है, उसने कुछ कमेंट कर दिया, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वो अलग चीज है। ये तो पूरी की पूरी फ्रेंचाइज, ये तो आरसीबी के पूरे, देखो शुभमन गिल व्यक्तिगत तौर पे क्या बोले वो अलग चीज है, गुजरात टाइटंस ने तो कोई अपमान नहीं करा, उन्होंने तो बेस्ट ऑफ लक ही बोला ना हार्दिक पांड्या को, उन्होंने तो कोई अपमान नहीं करा, ये लॉयल्टी, ये तो आप कॉमेडी शो शुरू कर दिया, ये इनके लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉमेडी नाइट विद आरसीबी शुरू हो गया है, ये तो आरसीबी चौराहे पे बैठ के कहे लगा रही है तालियां बजा के, मुंबई इंडियंस आज आज खुश होके ये तमाशा हम भी देखेंगे, कहां गया वन फैमिली, वो ही कर रहे हैं ये, कहां गया वन फैमिली। आप ये टाइम पे लॉयल्टी, और विराट भी खूब खिलखिला के हंस रहे हैं उसमें, तो ये इस टाइम पे लॉयल्टी वगैरह की बातें करना, अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई प्लेयर कर दे, कोई और कर दे तो समझ में आती है। आपने पूरे के पूरे फैन बेस का मजाक उड़ा दिया यहाँ पे, आरसीबी वाले फैन बेस को बड़ी ठंडक लगी, और वहां पे आपने बर्नौल की छिड़काव करवाने की कोशिश करी कि मुंबई वालों बर्नौल लगा लो, ये मजा क्रॉस करिए नहीं, इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। ट्विटर पे ये बैंडर बहुत अच्छा चलता है आईपीएल टीम्स का, लखनऊ वाला आपको पूरे के पूरे उनका फैन बेस चीखे मार रहा है, मेरे पीछे आधी मुंबई इंडियंस की फौज लगी हुई है, मुंबई इंडियंस के 8 लाख फॉलोअर कम हो गए, 4 लाख वहां से ट्विटर से मेरे ख्याल कम हो गए, दोनों जगह से मिलियन में फॉलोअर कम हो गए उनके, इस टाइम पे लॉयल्टी इज रॉयल्टी। तो आरसीबी के जितने सपोर्टर है वो भी यही बोल रहे हैं, लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीम, हम वो नहीं सोचते, सपोर्टर बोले समझ में आती है, तुम्हारी फ्रेंचाइज खुद ऑफिशियली बोल रही है ड्रॉपिंग सून, लॉयल्टी इज रॉयल्टी, इन्होंने तो जो वीडियो बना दिया उन्होंने भाई, इन्होंने तो जो मतलब क्या बोलते हैं वो माचिस की तिल्ली जलाकर बिल्कुल ऐसे मोमेंट में लगाया है ना, पूरी कलेक्शन देख के अभी इसका और पूरी अपनी जितने भी साल आईपीएल चला है सारे सालों की हार का और जो ट्रॉफी लेस रहे हैं और जितना इनका मजाक उड़ाया मुंबई वालों ने, एक ही बार में इन्होंने तीर मारा है जो सीधा दिल पे जाके लगा है, वो भी प्लान करके चेन्नई ने रोहित शर्मा को ट्रिब्यूट दिया है ना, इन्होंने क्या किया, लॉयल, लॉयल्टी इज रॉयल्टी, दैट्स आरसीबी फॉर यू। विराट का भी वीडियो बना दिया और इसको पैकेज ऐसे कर दिया, प्यूमा का कपड़े आ रहे हैं और वहां पे आए लॉयल, सुपर वायरल चीज करने के लिए, वायरल के लिए या ये भी हो सकता है ये लिखा हुआ ना आ जाए कहीं पुमा को, वो जो भी होगा भाई वो तो चलो अगर टी शर्ट छप गई फिर वो लग ही रहा है, देखो ड्रॉपिंग सून कलेक्शन आया, अगर विराट ये टी शर्ट पहन के आ जाए लॉयल्टी इज रॉयल्टी फिर क्या होगा, फिर तो तबाही, वीडियो शूट करवा दे विराट का उसी टी शर्ट, छोड़ो भाई फुल स्क्रीन पे आ जाओ अगली सुपर चैट पे आ जाओ।